YouTube channel. Hope so you are doing fit and healthy. तो हमने कंप्लीट किया है हमारा चैलेंज, दैट वाज 31 डेज ऑफ वीडियो चैलेंज एंड 31 डेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज. और वीडियो चैलेंज भी खत्म हो चुका है अपने चैनल में, और जो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज है वो भी खत्म हो चुका है. तो ट्रांसफॉर्मेशन का जो पोस्ट है मैंने वो इंस्टाग्राम पे डाला है आज के स्टोरी में, तो आप जब देखेंगे तब तक वो स्टोरी तो निकल जाएगा क्योंकि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे. इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम में फॉलो करना पड़ेगा. तो इंस्टाग्राम में फॉलो करो. और जो नए फॉलोअर्स है वो लोग बोलेंगे यार आपने तो दो दिन पहले डाला हम कैसे देखेंगे. तो मैंने क्या किया है उसका एक हाईलाइट बनाया हुआ है स्टोरी का, तो वो हाईलाइट आप मेरे प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं. अभी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, किधर आप चेक कर सकते हैं करके वो हाईलाइट. तो वो हाईलाइट देखो और देखिए मैंने कैसा ट्रांसफॉर्म किया 31 डेज में. बड़ा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बट स्लाइट ट्रांसफॉर्मेशन है और मैं सेटिस्फाई हूँ. और मैंने मेरा जो जिम का 31 डेज का चैलेंज किया था उस कारण मैं रूटीन में आ गया हूँ. और जो 31 चैलेंज डेज का वीडियो चैलेंज था उसमें एक मेजर ग्रोथ मेरे यूट्यूब करियर में आया है, वो है कि मुझे कॉन्फिडेंस आया है बात करने में. अगर आप पुराना वीडियो और अभी का वीडियो देखेंगे तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं ना कि मैं एकदम बिंदास बात कर रहा हूँ. जो बात कर रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आप लोगों से डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा हूँ. एक फैमिली बना लिया है हमने 1000 सब्सक्राइबर पार करके, वो भी मैंने कर लिया है जो ये 31 डेज चैलेंज में. और क्या, बहुत सारे ऐसे ब्लॉगिंग जगह पे गए, खाना खाने को गए, ऐसा पब्लिक के अंदर हम घुसे वीडियो लेके कैमरा लेके, तो लोग देखते थे बोलते थे अरे क्या कर रहा है, बट कॉन्फिडेंस आया और अच्छा लग रहा है. सो दैट वॉज द 31 डेज चैलेंज फॉर मी. एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू हु आर सपोर्टिंग मी फॉर दिस चैलेंज. और जो नए मेंबर्स लोग भी जो ज्वाइन हो रहे हैं अपने YouTube फैमिली में, वेलकम यू ऑल टू माई फैमिली, दैट इज फैम संजू. कमिंग बैक टू द वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा है अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुरु मान सर, यस, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ गुरु मान सर. उसके पहले अगर आपको पता नहीं है कौन है गुरु मान सर, तो ये एक एंट्री देख के उनका आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा हस्ती है गुरु मान सर. तो ये एंट्री देखो उनका, एकदम जुलूस जैसा एंट्री उनका हुआ था 1st of June 2019 आउन में. तो एक एंट्री का झलक तो देखो गुरु मान सर का. गुरु मान सर इज अ वेल नोन पर्सन इन द फील्ड ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री. अगर आप YouTube फॉलो कर रहे हो, फिटनेस फॉलो कर रहे हो, सो गुरु मान सर इज वन ऑफ द पर्सन जिन्होंने फिटनेस चालू किया था YouTube से फ्रॉम एन इंडियन जो कि US में रहते हैं, बट इंडियन लोगों को फिट करने को. और उनका एक मिशन है दैट इज गेट फिट, मिशन गेट फिट, वो उनके चैनल से वो दिखा रहे थे. उनका दो चैनल है, एक है दो नहीं एक्चुअली तीन चैनल है. एक जो चैनल है वो टी सीरीज उनको प्रमोट करता है, टी सीरीज के इससे उनको चैनल चलाते हैं जो कि हेल्थ एंड फिटनेस. और उनका खुद का एक चैनल है जो कि है गुरु मान फिटनेस. और उन्होंने अभी एक नया कंसेप्ट लाया है, जबकि उनकी एक बेटी हुई है जो 10 या 9 महीने की है, तो वो सोच के उन्होंने एक बच्चों लोगों के लिए भी फिटनेस कैसा, बच्चों लोगों का फिटनेस बढ़ाना चाहिए, वो भी एक चैलेंज उन्होंने मतलब एक चैनल चालू किया है उन्होंने तो बच्चे लोगों का. तो उसका भी नाम अभी इधर आ जाएगा, मुझे पता याद नहीं आ रहा क्या है, तो उसका भी नाम इधर आ जाएगा. सो यस, ही इज़ अ वेल नोन फिटनेस यूट्यूबर एंड ही हैज़ अ मिशन इन हिज माइंड टू गेट फिट इंडिया, मतलब मिशन ऑफ इंडिया टू गेट फिट. उनके दिमाग में यही नहीं है कि जिम वाले बंदे फिट होना चाहिए, उनके दिमाग में ये है कि जो बीमारी से कोई बीमारी जैसे कि थायराइड हो या क्या बोलते हैं अपना शुगर का डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो, जो भी बीमारी है अपने जो बॉडी को लगता है, तो वो उनको फिट कराने का है वो लोगों का. तो उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा वाइड विजन ऑफ फिटनेस है. तो उनसे मिलके मैं एकदम खुश हो गया. ये इवेंट इतना पंपिंग था, इतना मोटिवेटिंग था, एक अलग लेवल में मुझे लेके गया ये इवेंट. तो आप उनका स्टोरी, अनटोल्ड स्टोरी, और उनका जो भी फिटनेस का जर्नी है वो सुनो ये वीडियो में.
तो ट्राई करूंगा जितना ज़्यादा वो हो सके ये वीडियो में दिखा सकूँ, आप लोगों को गाइडेंस दे सकूँ ये वीडियो से। और गुरुमान सर को फॉलो करो बिकॉज ही इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट फिटनेस यूट्यूबर एंड ऑल्सो ही हैज़ एन एन नंबर ऑफ नॉलेज अबाउट द फिटनेस। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। 2013 से लेकर 18 तक, टिल डेट बोलो या 18 तक, यूट्यूब पर सक्सेसफुल होने के बाद, मिलियंस लोगों तक पहुंचने के बाद, वापस उसी लेवल पर वापस आया, उसी ग्राउंड लेवल पर। यहां पर मैं 4 साल फेल हुआ था, वापस 2019 के अंदर उसी ग्राउंड लेवल पर आकर दोबारा लोगों से मिलकर डायरेक्टली ये बात पहुंचाने के लिए, हेल्थ की बात जिसके लिए मैं लोगों से मिलता रहा हूं वो करने के लिए 2019 के अंदर। ये मेरा है कि मैं 2019 में इंडिया की 50 सिटीज में जाऊं, मिशन इंडिया फिट की बात करूं, लोगों को इंस्पायर करूं, किसी ना किसी की लाइफ चेंज कर पाऊं बातों से, उनके दिमाग का जो स्पार्क है वो कर पाऊं, ताकि वो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कंट्री के लिए एफर्ट कर पाए। 1 से 2, 2 से 3, ये नंबर जो बढ़ता जाएगा जैसे बढ़ता जा रहा है। और ये मेरा गोल है इस साल 2019 के अंदर कि हर मैं सिटी में जाकर लोगों से मिलूं, ग्राउंड लेवल पर काम करूं वापस, क्योंकि यूट्यूब का काम मेरा स्लो है, वो मैंने स्लो कर देना है। अब मेरा काम है रियल ग्राउंड लेवल में जाकर बात करनी, और जो मेरे पास रिसोर्सेज इकट्ठे हुए हैं पिछले 5-6 साल के अंदर, सक्सेस पीरियड के अंदर, उसका इस्तेमाल कर कंट्री के लिए, लोगों के लिए, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है, चाहे वो हेल्थ फिटनेस का करियर है, जहां तक भी मेरी रेंज पड़ सकती है मैं उसका इस्तेमाल कर उसको इंप्लीमेंट कर पाऊं, क्योंकि ये अनटैप्ड मार्केट है तो बहुत ही जरूरी है। तो मेरा 2019 मिशन ये है कि मैं लोगों तक पहुंचकर, हर सिटी में पहुंचकर उनसे बात कर पाऊं। पुणे का दूसरा विजिट है, पहला विजिट था जब मैं ना तो सोशल मीडिया पर था, ड्यूरिंग स्ट्रगल मैं अपने दोस्त के साथ जो मेरा यहाँ बैठा हुआ है गुरप्रीत, खड़े होने आप ऊपर आ गए, जो कहानी आपको नहीं मालूम 2014 से 13 के अंदर, जिस फेज जब मैं आता था मिलता था लोगों से, तो ये मेरा गुरप्रीत बसरा नो आई जस्ट वांट टू से दैट यू नो वो एक ही चीज ढूंढ रहा था कि प्लेटफॉर्म मिल जाए जहां पे ही कैन रीच आउट टू एवरीवन, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, एंड वो आज वो कर रहा है। सो बहुत टाइम लगा, बहुत साल लगे। सो एज अ फ्रेंड मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने उसको ये बोला कि हो जाएगा, एक दिन हो जाएगा, और वो हो गया। सो आई थिंक बिगेस्ट अचीवमेंट यही है, आप लोग यू नो हम लोग देखते रहते हैं कमेंट्स में भी, सो आप लोग जो लिखते हो सोशल मीडिया पे वो सब बिल्कुल सही है। ही इज डूइंग दिस फॉर नो वन बट फॉर अदर्स, ठीक है, नहीं तो लाइक ही सेइंग यूएस से आने की उसको कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वो वहीं पे बैठ के ही इज ऑलरेडी हैविंग अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ, बट ही इज डूइंग दिस बिकॉज ही फील्स फॉर इंडिया, ही फील्स फॉर अस, सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। ये कहानी भी आपको अच्छी तरीके से पता चलेगी जल्दी इस साल तक, जो काफी चीज है जो इसके अंदर जो आप तो नहीं मालूम, सक्सेस का मालूम है, फेलियर का भी थोड़ा सा मालूम है, लेकिन एक बहुत ज्यादा डिटेल में आएगी चीजें। लोग बोलते हैं सप्लीमेंट के साइड इफेक्ट क्या है, उनके लिए भी एक आंसर देता हूं अभी। अक्सर क्वेश्चन मेरे से तो शुरू से पूछा जा रहा है, इवन मैं पूछता रहा हूं इतने बिगे, और क्या बताऊं, मैं खुद निकला हूं। चलो मुझे बहुत साल हो गए, मैंने 5-4 साल सप्लीमेंट यूज नहीं किया, जब पहली बार यूज कर रहा था सोचा था मैंने क्या क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन। उस समय बॉडी बिल्डर की फोटो लगती थी बॉडी सप्लीमेंट, आजकल बंद करोगे, उस समय लगती होती थी बॉडी बिल्डर, इसलिए थोड़ा वो खराब हुआ है उसके रेपुटेशन की बॉडी बिल्डर ही यूज करते हैं, which is wrong। आप पूछते हो या किसी से पूछते हो या आर्गुमेंट करने की कोशिश करते हो किसी से कि वे प्रोटीन के या इसके साइड इफेक्ट्स है, इस सप्लीमेंट के है, ऐसा हो जाएगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पुणे में सारे हॉस्पिटल में घूम कर आओ, एक भी बंदे की डेटा लेकर आओ हॉस्पिटल से कि जो बंदा हॉस्पिटल में कभी हॉस्पिटल हुआ है बिकॉज ऑफ यूजिंग वे प्रोटीन, एक ही बंदे की डेथ हुई है, किसी ने बेड लिया है, कभी कोई रसीद होगी जाकर एक भी लेकर आओ, देन वी बिलीव। एक भी केस ही नहीं है, कोई हॉस्पिटल के अंदर केस ही नहीं है, ऐसा वहम का इलाज नहीं है कोई,
जो वहम आपने पाला हुआ है, या आपका कोई दोस्त है जो हॉस्पिटल में रहा है बिकॉज ऑफ वे प्रोटीन, है ही नहीं दुनिया में, कोई नहीं है। इंडिया में अगर ढूंढेंगे सबसे पहले तो बाहर कंट्री शुरू हुआ ना, वहां भी है। हम मिथ्स वहम इन चीजों बहुत विश्वास करते हैं। इट्स अ सप्लीमेंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड द डोजेस ऑफ द सप्लीमेंट, जो भी है, चाहे वो मल्टीवाइटमिन है, चाहे प्री है, चाहे वे प्रोटीन है, चाहे बूस्ट है, चाहे बॉन्ड मेटा है, चाहे माल्टोवा, चाहे प्रोटीन एक्स, सारे एक लेवल पर है। हालांकि आई नो जिसके मैं चार पांच पीछे के नाम बताए हैं उनकी क्वालिटी बहुत लो है, शुगर पर रंग किया हुआ है, सच्चाई है, वो बैन नहीं है। तो जिसकी क्वालिटी अच्छी है बैन तो वो भी नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर क्या है, वहम, साइड इफेक्ट। जब आपको कोई रिपोर्ट मिलेगी तो मेरे से शेयर करना, जो डॉक्टर्स हैं यहां कोई है तो अगर आपके पास रिपोर्ट है जरूर शेयर करो मेरे से। किसी का हॉस्पिटल है जाकर देखो, है ही नहीं। स्टेरॉइड लेकर डेथ हुई का डेटा जरूर है लेकिन सप्लीमेंट का नहीं है। फूड सप्लीमेंट कैसे होगा? अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे किसी भी चीज का तो हर चीज का साइड इफेक्ट है दुनिया में। जब आप जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का इस्तेमाल करते हो, लगाव रखते हो, बैकफायरिंग जरूरत से ज्यादा, वो क्या है, ज्यादा देर तक बैठेंगे तो प्रॉब्लम, ज्यादा देर तक भागेंगे तो प्रॉब्लम, ज्यादा देर तक सोएंगे तो प्रॉब्लम, ज्यादा देर तक कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम, ज्यादा किसी से प्यार करेंगे तब भी साइड इफेक्ट है। तो क्या आप प्यार करना बंद कर दोगे? क्या आप किसी से पूछेंगे भी इसके साइड इफेक्ट है? Come on. अब ये लेवल है प्यार करने का, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जब आप लेवल के अंदर हो, यू नो क्रॉसिंग योर लिमिटेशन, यू आर फाइन, देयर इज नो इश्यू। जब आप सप्लीमेंट को सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे, फाइन, अगर उसको एक्सपेक्टेशन के हिसाब से करेंगे तो गलत है। दूसरा, अगर वो सप्लीमेंट यहां से आप बाय कर रहे हैं, देयर इज नो फूड लाइसेंस, नो जीएसटी, देयर इज नो, भाई तो आपकी गलती है। देखा आपने गुरु मन सर को कितना नॉलेज है इन द फील्ड ऑफ फिटनेस। यस, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन द फील्ड ऑफ फिटनेस। आपने हर एक चीज़ रिलेट किया रहेगा आपके डे टू डे लाइफ एंड ऑल्सो इन अ डे टू डे फिटनेस एक्टिविटी। सो ही इज़ नॉट अलोन, ही हैव अ टीम विद हिम एंड वन ऑफ द पर्सन विद हिम हु ब्रॉट IFBB प्रो कार्ड्स इन इंडिया। मीन्स जो प्रो कार्ड विनर्स होते हैं ना, उनको कॉम्पिटिशन में पार्ट कराने के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था, आउट ऑफ द कंट्री इंडिया, बट ये पर्सन ने वो प्रो कार्ड का जो लीग है वो इंडिया में लाया। ही इज़ कंडक्टिंग इट वेरी ग्रैंडली इन इंडिया। तो इसमें क्या हो रहा है, इंडियन यूथ को एक अलग कॉन्फिडेंस आ रहा है, दे आर प्रिपेयरिंग देयर सेल्फ एंड ट्राइंग टू विन दैट प्रो लीग प्रो कार्ड। सो हु इज दैट पर्सन? शेरु पाजी। यस, शेरु पाजी के साथ मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, दैट आई फील इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट हैपन इन माई यूट्यूब करियर एंड माई इन माई यूट्यूब चैनल। सो वॉज दैट, एंड वो कितने हम्बल पर्सन है आप देखो, उन्होंने मुझे टाइम दिया और उन्होंने मुझे बताया कि एग्जैक्टली अपडेट दिया कि IFBB का प्रो कार्ड का आगे का अपडेट क्या है इन इंडिया। सो वॉच दैट एंड वी विल कम बैक। सो वॉच दैट विथ मी शेरु पाजी। सो शेरु पाजी, ऑल द बेस्ट फॉर योर शेरु क्लासिक। और शेरु क्लासिक आप डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में करते हैं, पुणे में आपने 2013 को किया, सो व्हेन यू आर नेक्स्ट प्लानिंग टू डू इन पुणे शेरु क्लासिक अगेन? डेफिनेटली पुणे इज ऑन माय हिट लिस्ट। अभी जैसा कि आप सब लोग को पता है कि द नेक्स्ट वन, बिग वन इज कमिंग इन जुलाई, 5th, 6th, 7th जुलाई, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली के बाद हमारा प्लान है चंडीगढ़, हैदराबाद, जयपुर, चेन्नई, फिर मुंबई। एंड पुणे डेफिनेटली, यू नो, वी आर कंसिडरिंग मे बी जनवरी फरवरी 2020। सो लास्ट टाइम सुहास कामकर वॉन द शेरु क्लासिक। एंड सो दिस टाइम यू एक्सपेक्ट एनी इंडियंस टू कम? The July show is only for Indians. Okay. So all the 7 winners would be from India. Yes. So there will be 7 pro cards going to all Indian athletes. Thanks a lot for that, bringing up. You are the one who brought everything in India. Thanks a lot. I want to thank you guys for supporting me always. And you know, since 2013, when I was in Pune,
I've seen exponential growth of fitness, yeah. And the Pune, one of my favorite city in India because of the youth, and a lot of youth connect to us because we represent fitness industry. Myself and Guru Mann Paji, you know, mm-hmm. the entire agenda is you know, to promote and motivate youth towards fitness and make India as one of the fittest nation. Thanks a lot for your time. Take care. God bless. That's it for today's video. If you like this video, then please hit the like button, and you have to share this video because isme bahut acha ek मैसेज है जो कि है मिशन इंडिया, मिशन फिट इंडिया. ये अपने को शेयर करेंगे, अपन शेयर करेंगे तो और लोग भी फिट होंगे. सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल अलोंग विद द बेल आइकन सो दैट यू वुड गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर आई अपलोड अ वीडियो. ऐसे वीडियोज आते रहेंगे ना अपने चैनल में. और अपना फैम संजू भी ज्वाइन करना है ना, तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना चैनल, तो सब्सक्राइब करो. और बींग फिट एंड फाइन, बींग फिट फॉर योर सेल्फ बिकॉज यू आर स्पेशल. टेक केयर एंड बाय बाय. It was a wonderful day, and I just want to tell one more thing. If you want a raw video of this, मेरे पास बहुत बड़ा लंबा video इनका पूरा एक घंटे का जो उन्होंने motivational speak दिया था वो पूरा है मेरे पास वो video. अगर आपको चाहिए तो मैं वो डालूँगा, तो please comment down कीजिए. अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं मेरे YouTube channel में वो भी डाल दूँगा. Okay?